नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सोनपुर मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने यूपी में बाबा गाने वाली अनामिका जैन अंबर भी पटना पहुंची। पर्यटन विभाग के कला मंच पर उनका काव्य पाठ होता उससे पहले विवाद हो गया। अनामिका ने दावा किया कि उन्हें काव्य पाठ करने से रोक दिया गया। नतीजा ये हुआ कि सम्मेलन में शामिल होने आए बाकी कवि नाराज हो गए और उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि दिनकर की धरती से बिना कविता पाठ के लौटना पड़ा अपमानजनक है। उन्होंने इस घटना पर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इतना डर गई कि मुझे सोनकर में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। सुबह से पटना में ही रोका गया। कवियों की पूरी टीम सोनपुर गई और कार्यक्रम का बहिष्कार कर वापस लौट आई। अनामिका ने 2022 के चुनाव के दौरान बुंदेली भाषा में यूपी में बाबा गाना गाया था। इन्होंने हाल ही में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ और यूपी सरकार के पक्ष में भी काव्य पाठ किया था। पटना से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश है, निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के, और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। तो किस बात का डर है ये वही जाने। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और कवियों को जब कवि सोनपुर पहुँचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुँचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया और इस बात का निर्णय लिया कि वो भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।